मेरा दावा होगा जिस तरह मैंने तेरी राह यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा तो दोस्तों बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फिर में जिस तरह हिंदी ओल्ड सॉन्ग में रिमिक्स स्टेटस को देखा है, इस तरह स्टेटस आप भी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। बहुत सिंपल है इस तरह स्टेटस को बनाना, खाली आपको फोटो ऐड करना पड़ेगा और स्टेटस बन जाएगा। तो प्लीज़ इस तरह स्टेटस आप भी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है खराब लगता है कमेंट भी कर दीजिए। और अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं उधर भी रील अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लीजिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो फोटो पिंज जो कुछ मैं यूज करने वाला हूँ सब भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना पड़ेगा, तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ, तो अभी एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। और एलाइट मोशन में आने के बाद यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आना होगा, और जो सॉन्ग बीट मार्क और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, और जो सॉन्ग बीट मार्क है इसको ओपन कर लेना। तो इसमें आने के बाद देखो कुछ इस तरह आपको कुछ रेक्टेंगल देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर। और आगे देखो यहाँ पर आपको गैप देखने को मिलेगा, और फिर से यहाँ पर भी आपको गैप देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको दो बीट खाली देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बीट को कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है आपको, बस क्या करना है देखो यहाँ पर जो बीट है ये बीट में आपको आना होगा, और ये बीट में आने के बाद आपको यहाँ पर एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड करना पड़ेगा, तो जिसमें लिरिक्स है वो ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड करेंगे। तो उसके लिए देखो प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड करने के लिए देखो ये वाला जो ब्लैक स्क्रीन है वो ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पर आगे आ जाना, और दोस्तों आगे आने के बाद यहाँ पर जो ब्लैक स्क्रीन वीडियो ये लेयर को टच करना, और इधर से बाकी पार्ट काट काट के हर हटा देना। देखो कुछ इस तरह आपको ब्लैक स्क्रीन जो है वो नज़र आ जाएगा, देख सकते हो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ भी और छिड़काई नहीं करना है, लिरिक्स वगैरह जो कुछ है इफेक्ट वगैरह मैं पहले से ही सेट करके रखा हूँ, आपको कुछ भी छिड़का नहीं यहाँ पर नहीं करना। तो अब क्या करना, देखो यहाँ पर जो 17 सेकंड में जो बीट है ये बीट में आपको आना होगा, और ये बीट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से क्या करना होगा, एक फ़ोटो ऐड करना होगा जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो। तो फोटो ऐड करने के लिए यहाँ पर ये बीट में रहना होगा, और प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और अपने हिसाब से अपनी पसंद की एक फ़ोटो को ऐड कर लेना। तो देखो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर एक फ़ोटो ऐड कर लिया हूँ। फोटो को ऐड करने के बाद मोबाइल ऑप्शन में आ जाना, जूम ऑप्शन में आ जाना, और ऐसे करके जूम करके फुल स्क्रीन कर लेना। नहीं तो देखो यहाँ पर जो 3 डॉट यहाँ पर टच करना, और फिल कंपोजिशन एरर को टच कर देना, तो उधर से भी फोटो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो लास्ट बिट में आ जाना है जो ऑप्शन है पर टच कर देना, तो देखो फोटो का जो लेयर है कुछ इस तरह हमारा एकदम एंड तक आ जाएगा। ऐसे करके एडिट कर लेना देखो कुछ इस तरह करके, और ऐसे करने के बाद अब क्या करना होगा, ये जो बिट है ये बिट में आ जाना, ये बिट में आने के बाद दोस्तों प्लस ऑप्शन को टच करना, ये वाला रेक्टेंगल को ऐड कर लेना, फिर जो 3 डॉट यहाँ पर टच करना होगा, और ये वाला ऑप्शन को टच कर देना। कलर एंड फिल ऑप्शन में आना होगा, ये वाला ऑप्शन को टच कर देना, और ऐसे करके सबसे पहले देखो थोड़ा एडिट कर लेना ये स्टेप को कुछ इस तरह करके, व्हाइट कलर स्टेप सॉरी व्हाइट कलर बॉक्स को टच करना, मिडिल में जो ऑप्शन है पर टच करना होगा, और ट्रांसपेरेंट कर लेना, उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना, और एकदम लास्ट में आना होगा और ये वाला ऑप्शन को टच कर देना। तो कुछ इस तरह नीचे आपको शेडो जो है वो देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो अब क्या करना होगा, यहाँ पर जो देखो मेन फोटो है इसमें इफेक्ट देंगे, तो मेन फोटो में इफेक्ट देने के लिए बैक हो जाना, इफेक्ट प्रोजेक्ट में आ जाना, और यहाँ पर जो फोटो लेयर है फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, थ्रेड को टच करना और कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद बैक हो जाना, सॉन्ग बिट मार्क को फिर से ओपन कर लेना, और यहाँ पर जो फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, थ्रेड को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो फोटो में कुछ इस तरह आपको इफेक्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर फोटो को और कुछ भी छिड़काई नहीं करना है आपको, क्या करना होगा फिर से बैक होना होगा, और यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आना होगा, और देखो यहाँ पर जो दो रेक्टेंगल है ये दो रेक्टेंगल को ऐसे करके सिलेक्ट करके इधर से कॉपी लेयर कर लेना, और फिर से सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना, और फास्ट में आपको रहना होगा, फास्ट में रहने के बाद दोस्तों यहाँ पर दो लेयर को पेस्ट कर देना। तो कुछ इस तरह आपको जो है वो इफेक्ट देखने को मिल जाएगा सीसी पर। लास्ट में आ जाना, तो देखो मैं पहले से जो दो रेक्टेंगल है
इसका जो लेयर है मैं पहले से सेट करके रखा था। देखो आपको कुछ भी यहाँ पर आपको छिड़का ही नहीं करना है। तो अब आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो बीट है ये बीट में आपको आना होगा, और ये बीट में आने के बाद यहाँ पर आपको ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड करना होगा। तो उसके लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और ये वाला ब्लैक स्क्रीन जो वीडियो है देखो ये वाला ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेना। उसके बाद ये वीडियो लेयर को टच करना, ब्लेंडिंग ओपेसिटी ऑप्शन में आ जाना, लाइटिंग ऑप्शन में आके स्क्रीन कर देना और बैक हो जाना। यहाँ पर जो लास्ट बीट है लास्ट में आना होगा और बाकी का पार्ट कट करके हटा देना, और ऐसे करके साइड में दबा कर रखना होगा। यहाँ पर जो ब्लैक शैडो है उसके नीचे रख देना, तो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो यहाँ पर और आपको कुछ भी छिड़का ही नहीं करना है। फर्स्ट में आपको आना है प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आपको आना है, और देखो ये वाला पिन जो बॉर्डर है ये वाला पिन जो बॉर्डर को ऐड कर लेना ये वाला। उसके बाद लास्ट में आना होगा, लास्ट में आने के बाद ये वाला ऑप्शन को टच कर देना, तो कुछ इस तरह हमारा जो स्टेटस वीडियो है वो बन के तैयार हो जाएगा, देख सकते हो। तो ऐसे करके आप भी स्टेटस को बांध लेना, और स्टेटस बांधना कंप्लीट हो जाने के बाद उससे इसको एक्सपोर्ट कर लेना। तो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए देखो यहाँ पर जो सारा ऑप्शन यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो नहीं था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।